सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। बात मौसम की, दिल्ली हरियाणा पंजाब समेत कई राज्यों में हुई बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। चंडीगढ़ में बारिश से शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। तेज हवाओं की वजह से कई पेड़ सड़क पर टूटकर गिर पड़े, यातायात भी प्रभावित हुआ। पहाड़ों की तलहटी में बसे हुए चंडीगढ़ के अंदर सुबह से जबरदस्त तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश हुई है और ओलावृष्टि भी हुई है। सड़कों पर पानी तो खड़ा ही है, ऐसा नज़ारा चंडीगढ़ में कम देखने को मिलता है। कई सड़कें ऐसी हैं जहां पर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि पेड़ भी गिरे हुए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं सड़कें भी अवरुद्ध हुई हैं और पानी जिस तरह से सड़कों पर लबोलब है, कई जगह गाड़ियां भी खराब होने की वजह से वहां पर बीच में फंसी हुई हैं। 26 सेक्टर की अगर बात करें, सब्जी मंडी के आसपास की बात करें, पानी जगह जगह पर जमाव का रूप ले चुका है और वहाँ पर ड्रेनेज की व्यवस्था कहीं ना कहीं चौपट नज़र आ रही है। यहाँ भी आपको ये दृश्य जो दिखा रहे हैं, यहाँ पर पेड़ जिस प्रकार से सड़कों पर गिरा हुआ है, उसकी वजह से 26 सेक्टर में यहाँ पर जाम की स्थिति भी रही। फिलहाल लोगों को डाइवर्ट कर दिया गया है, पेड़ हटाने का काम यहाँ पर जारी है और ये दृश्य चंडीगढ़ में बना हुआ है। चंडीगढ़ में सुबह से सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए हैं और एक तरह से ऐसा मौसम बना हुआ है जो देर शाम के टाइम यहाँ पर देखने को मिलता है। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़ चंडीगढ़।